नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद में दिनोवली स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न। दिनोवली स्कूल मुगमा परिसर में बुधवार को वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न हुई। प्रतियोगिता को चार हाउस में बांटा गया था। इसमें टूलिप हाउस के बच्चों ने 278 अंक लाकर चैंपियन बने। इसलिए मुगमा महाप्रबंधक आनंद व दिनोवली निदेशक फादर माइकल पी फर्नांडिस एसजे ने दीप प्रज्वलित व ध्वजारोहण कर प्रतियोगिता की शुरुआत कराई। बच्चों ने स्वागत नृत्य पेश कर अतिथियों का स्वागत किया। महाप्रबंधक ने कहा कि खेल से शारीरिक व मानसिक दोनों का समग्र विकास होता है। LKG से लेकर कक्षा 6 तक के बच्चों ने अम्ब्रेला ड्रिल, रिंग ड्रिल, फ्लावर ड्रिल सहित अन्य खेल की प्रस्तुति दी। साथ ही 100 मीटर बाधा दौड़, 200, 400 मीटर दौड़, बैलून फोड़, रस्साकस्सी आदि खेलों का प्रदर्शन किया। वहीं अभिभावकों के लिए म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता कराई गई। मौके पर पूर्व विधायक अरूप चटर्जी, मुखिया रीता रवानी, प्राचार्य शर्मिष्ठा मजुमदार, डॉक्टर सुष्मिता चौधरी, तनुश्री बैनर्जी, चंद्रशेखर फर्नांडिस, शुक्ला चौधरी सहित स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे। आइए जानते हैं प्रिंसिपल फादर और आनंद जी एम ने क्या कहा। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। ये तो हम लोग का दिनोवली स्कूल में हर जगह दिनोवली स्कूल मुगमा और बाकी ब्रांचों में भी ये स्पोर्ट्स डे हर जगह मनाया किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि एजुकेशन के साथ एकेडमिक के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी बच्चे लोगों को आगे आना है, क्योंकि जब तक बच्चे लोग स्पोर्ट्स में आगे नहीं बढ़ते हैं तब तक देश का भी प्रगति नहीं होती है। इसीलिए उसी उद्देश्य में हम लोग हर जगह इसको करते हैं। और यहाँ पर आज का डिसिप्लिन आप लोग देखे हैं कितना सुंदर तरीके से बच्चे लोग व्यवहार करते हैं। यही डिसिप्लिन सोसाइटी में आते समय आ जाता है। इसीलिए एक अच्छा स्वस्थ समाज बनाने के लिए स्पोर्ट्स का बहुत ही जरूरी है। इसीलिए हम लोग इसको हर जगह मनाते हैं। हम लोग का यही उद्देश्य है कि स्वस्थ समाज और स्वस्थ देश बनाने के लिए। इस वार्षिक खेलकूद दिवस पे मैं दिनोवली स्कूल के सारे वहाँ के सबसे पहले अध्यापिका महोदय, शिक्षकों को, सारे अभिभावकों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत ही भव्य तरीके से जिस तरह से ये लोग ने आयोजन किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत इनको शुभकामना और बधाई देता हूँ। बच्चे जो खेल में भाग लेंगे, प्रतिभागियों को और विजेता को मैं यूज ऑल योर स्ट्रेंथ ऑल योर माइंड और बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ इसके साथ इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को और हमारे पत्रकार अपने भाइयों को। चूँकि हम भी यहाँ पढ़ाई किए हैं तो इसलिए हमें जानकारी है, यहाँ पहले से ही स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज की है। और बच्चों को देख कर अपनी बात को ध्यान आती है, इस तरीके से ड्रिल मार्च पास कितने अच्छे तरीके से और हम सक्सेसफुली कंप्लीट नमस्कार हम सक्सेसफुली स्पोर्ट्स डे कंप्लीट कर सके हैं, इनके लिए मैं सभी का जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम होगा। पेरेंट्स, बच्चे, टीचर्स, गेस्ट्स, सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। थैंक यू सो मच। विद योर कोऑपरेशन वी विल ऑलवेज एक्सेल। हम लोग फर्स्ट है, एक नंबर वन है, नंबर वन रहेंगे। देखकर मैं बहुत ही प्रभावित हुआ और बच्चों का डिसिप्लिन देखकर भी बहुत अच्छा लगा और इन्होंने आज के स्पोर्ट्स डे को बहुत अच्छी तरह से संपन्न किया और इसमें सभी का सहयोग था, प्रिंसिपल का, टीचर्स का, पेरेंट्स का, बच्चों का। और शुरुआत है उनके लिए कि इस तरह के डिसिप्लिन से हुए रहेंगे तो लाइफ में भी वो बहुत अच्छा करेंगे। और आप सब को भी धन्यवाद, आकर आपने रिपोर्ट दिया, आप सब को धन्यवाद। और इस क्षेत्र में दिनोवली स्कूल का नाम ऐसे भी है और आगे भी हम सभी यहाँ के बच्चों के लिए, इस एरिया के सभी नागरिकों के लिए क्वालिटी एजुकेशन देते रहेंगे। और हमें उम्मीद है कि ये आगे चलकर हमारे देश के लिए काम करेंगे। हाँ, उन्नति की ओर आगे बढ़ाते जाएंगे। धन्यवाद। चीफ गेस्ट है।